हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई लोग, एक और वीडियो लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। एक्चुअली मैंने जो इंस्टॉलेशन का जो वीडियो बनाया था, मीन्स विंडोज़ इंस्टॉलेशन इन SSD का, तो वो वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया था, तो मैंने उसे पार्ट वाइज डिवाइड किया था। तो पहला पार्ट मैंने डाल दिया है कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाना है, मीन्स जिससे आप विंडोज़ को डालेंगे SSD में इंस्टॉल होगा, उसके लिए आपको पेन ड्राइव कैसे तैयार करना है वो वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दूसरी चीज़, ये वीडियो पार्ट टू होगा कि विंडोज़ को कैसे इंस्टॉल करेंगे SSD में, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइड के साथ। कुछ चीज़ें मैं लास्ट वीडियो में जो मिस कर गया था वो भी इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपकी को प्रॉब्लम होगा इंस्टॉलेशन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो विंडोज़ इंस्टॉल करने से पहले कुछ स्पेशल टिप। टिप नंबर वन ये है कि अगर आपका जिसमें पहले से विंडोज़ है उसमें अगर और भी कोई इम्पॉर्टेंट फाइल है वो प्लीज़ अपने दूसरे ड्राइव में डाल लीजिए, नहीं तो विंडोज़ इंस्टॉलेशन के टाइम पहले इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, तो आपका सारा इम्पॉर्टेंट फाइल चला जाएगा। दूसरा कि आपका अगर डाउनलोड में भी कोई फाइल है या डेस्कटॉप में भी फाइल है कोई, वो सारे को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि डाउनलोड का फाइल और डेस्कटॉप का फाइल वो सारा ड्राइव सी, यानी कि जो आपका जिसमें आपका विंडो है जिस ड्राइव में, उसी में वो सारा सेव होता है। तो वो सारे को पहले आप दूसरे ड्राइव में या फिर किसी और चीज़ में उसको निकाल लीजिए, सेव कर लीजिए, उसके बाद आगे प्रोसीड कीजिएगा। दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये था कि भाई हम लोग विंडोज़ 10 प्रो क्यों इंस्टॉल करेंगे जबकि पहले से दूसरा विंडो है। तो भाई लोग एक ही चीज़ बोलेंगे, आप लोग को जो विंडो यूज़ करना है वो विंडो यूज़ कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप लोगों के पास पहले से अगर कोई विंडो है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा सिंगल लैंग्वेज वाला जो है विंडो 10 होम जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको जो यूज़ करना है आप वो कीजिए। जो मुझे सही लगा, जो मैंने यूज़ किया था, मैंने उसका लिंक दे दिया, और बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। एक भाई ने मुझसे पूछा कि भाई इसमें MS ऑफिस 2019 इंस्टॉल कर सकते हैं? तो भाई ज़रूर कर सकते हैं, MS ऑफिस का आप ट्राई कर लीजिए, MS ऑफिस 2019 बिल्कुल सपोर्ट करेगा इसमें। एक और भाई का सवाल ये था कि भाई बैटरी बैकअप क्या है इसका, प्लीज़ बताओ। तो बैटरी बैकअप के बारे में आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहेंगे कि जैसे ये वीडियो एडिटिंग का जो है हम प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहे हैं, तो वीडियो एडिटिंग से लेकर रेंडरिंग से लेकर वीडियो अपलोडिंग तक मेरा 100% बैटरी था और अप्रॉक्स 3.5 घंटा 3 घंटा यूज़ हुआ है, 3 घंटा प्लस ही यूज़ हुआ है, ठीक है। और जानते ही है कि वीडियो रेंडरिंग में सबसे ज़्यादा पावर लगता है, ठीक है। तो उसमें ओवरऑल मेरा बता रहे आफ्टर 3 आवर 15 मिनट 20 मिनट मेरा बैटरी रिमेनिंग था अप्रॉक्स 28%, ठीक है। तो अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 4 घंटा प्लस देगा आपको इसका बैटरी बैकअप, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बट नॉर्मल यूज़ के लिए ठीक है। अब जाहिर सी बात है, वीडियो एडिटिंग करना हो या फिर गेमिंग करना हो तो हम यही बोलेंगे कि अपना चार्जिंग इसका जो है वो लगा कर ही खेले। हीटिंग का भी बहुत लोग बोल रहे थे, तो हीटिंग के लिए भी एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर गेमिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो एक कूलिंग पैड ज़रूर ले लें, वो काफ़ी हेल्प करेगा। गेमिंग में जाहिर सी बात है हीट तो करेगा ही लैपटॉप, बट हाँ उतना ज़्यादा भी एक्सट्रीम हीट नहीं होता है। हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करेंगे कि इसका हीटिंग का आपको दिखा सके कि कितना डिग्री तक जाता है। एक और भाई ने मुझसे पूछा कि भाई इसका बूटिंग टाइम बिफोर एंड आफ्टर क्या रहने वाला है। तो आफ्टर इंस्टॉलिंग SSD बता दे रहे आपको 10 सेकेंड से 15 सेकेंड मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। और बहुत लोग का कमेंट अभी भी आ रहा है कि भाई इसमें कौन सा SSD यूज़ होगा। तो भाई एक चीज़ बता दे रहे कि हर वीडियो में मैं SSD के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें कौन सा SSD यूज़ होगा। और अगर आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि सेलेक्ट करने में कि इसमें आखिर कौन सा SSD यूज़ होगा, तो मैंने आपको सारा SSD का 128 GB से लेकर 1 TB तक का जो इसमें सपोर्ट करेगा उस सभी का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इस वीडियो में भी मैं डाल दूंगा। आप प्लीज़ एक बार जाके चेकआउट कर लीजिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कौन सा SSD सपोर्ट करेगा, कौन सा SSD इसमें लगेगा।
तो चलिए अब सीधा बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ कि कैसे इंस्टॉल करेंगे विंडोज़ को एसएसडी में, कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो आपको करना है अपना लैपटॉप को रीस्टार्ट, और जैसे वो स्टार्ट होगा आपको दबाना है F10 ताकि आपका बायोस मेनू खुल जाए। तो बायोस मेनू खुलने के बाद आपको जाना है ऊपर, आप ऑप्शन देख सकते हैं बूट ऑप्शन जो है, आपको बूट ऑप्शन में जाना होगा। और आप यहाँ एरो की जो रहता है इंटर के नीचे, जो शिफ्ट रहता है उसके नीचे, उससे आप चेंज कर सकते हैं। तो बूट ऑप्शन में आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि नीचे जो है UEFI बूट ऑर्डर जो है, तो ये UEFI जो बूट ऑर्डर है इसमें आपको जो ये जो फ्लैश ड्राइवर है, USB फ्लैश ड्राइवर जो है, ठीक है, इसको सबसे ऊपर लाना है। और इसको सबसे ऊपर कैसे लाना है, यहाँ राइट साइड में देख सकते हैं F5 और F6 से आप इसको मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, सेलेक्ट करके। तो जाहिर सी बात है पेन ड्राइव जो है वो हमारा फ्लैश ड्राइवर है, ठीक है, फ्लैश ड्राइव है, तो उसी से हम लोग करेंगे बूट। तो उसको जनरली ऊपर करना पड़ेगा। मेरा पहले से ऊपर इसीलिए है क्योंकि मैं पहले भी कर चुका हूँ इसीलिए। एक और चीज़ का आप लोग ध्यान ये रखें कि आपका जो सिक्योर बूट है वो सिक्योर बूट आपका डिसेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर इनेबल रहेगा तो जो पेन ड्राइव से आप इंस्टॉल करना चाहेंगे तो वो इंस्टॉलेशन नहीं लेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो सिक्योर बूट है वो डिसेबल्ड हो। और बस इसको करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको करने के बाद आपको कर देना है एग्जिट, ठीक है। ऊपर आप देख सकते हैं बूट ऑप्शन के बगल में ही आपको एग्जिट का भी मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए अगर आपका USB फ्लैश सबसे ऊपर है तो चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अब सेव चेंजेस एंड एग्जिट पे ला के आपको एंटर प्रेस कर देना है। और जैसे ही यस कीजिएगा, ठीक है, तो यस करने के पहले आप अपना पेन ड्राइव लगा लीजिए। पेन ड्राइव लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि क्या बोलते हैं, खुद ब खुद जो रीस्टार्ट होगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका विंडोज़ इंस्टॉलेशन ले लेगा या जो भी आपका है सेलेक्ट करके, ठीक है, आपको इंस्टॉल नाउ करना पड़ेगा, ठीक है। इंस्टॉल नाउ करने के बाद आपका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि ये जो सेटअप का जो वीडियो है वे मेरे पास था नहीं, तो मैंने ये वीडियो का बहुत मुश्किल से जुगाड़ किया है। तो आप देख सकते हो ये बस एक सैम्पल के लिए है, आप लोगों को बताने के लिए, बट ये एक्चुअली है एक साल पहले का ये वीडियो है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ कुछ अगर इस टाइप का अगर एग्रीमेंट आता है कुछ तो आई एग्री करके आपको नेक्स्ट कर देना है। अभी नया वाले का तो मुझे याद भी नहीं है कैसा है, ठीक है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम अगर वैसा आएगा तो आप सीधा मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मेल पर। यहाँ पर आपको करना पड़ेगा कस्टम पे, ठीक है, नीचे वाले में, क्योंकि ऊपर वाले पे कर देंगे तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक ले लेगा। आपको नीचे कस्टम जो था उसमें करके सबसे पहले आपको वो ड्राइव सेलेक्ट करना होगा जिसमें आपका पहले से विंडोज़ है, यानी कि हार्ड डिस्क में जो पहले से आपका जो ड्राइव था जिसमें विंडो है उसको सेलेक्ट करना होगा आपको पहले। और नीचे आप देख सकते हैं फॉर्मेट का ऑप्शन है, तो सेलेक्ट करके पहले उसको फॉर्मेट कर लीजिए। और उसके बाद अपना जो ड्राइव है, जो SSD यहाँ पर शो होगा, उस SSD को सेलेक्ट करके बस नेक्स्ट कर देना है। कि इसमें ये पूछ रहा है कि आपको किस में विंडोज़ इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो वो सब कुछ हो जाने के बाद, ठीक है, आपका विंडोज़ नॉर्मली इंस्टॉल हो जाएगा। तो विंडोज़ इंस्टॉल हो जाने के बाद आपका नॉर्मली फिर जैसे आपके पास लैपटॉप नया नया आया था, ठीक है, वो तो उसमें जो स्टार्टिंग में जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, कि आपको अपना कंट्री वगैरह सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो भी, बिल्कुल वैसा ही सब कुछ होगा। और जैसे विंडोज़ एक बार आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि छोड़ के कहीं चले गए, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा आपको अपना पेन ड्राइव निकाल देना है, ठीक है। नहीं तो फिर कभी कभी क्या होता है ना कि लगता है कि वो नहीं लिया है और आप दोबारा से फिर से करने लगेंगे, इंस्टॉल होने लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा उस चीज़ में। खुल जाने के बाद आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि हो सकता है शायद आपका जो पुराना वाला ड्राइव था जिसमें आपका विंडोज़ था वो शो ना करे माई कंप्यूटर में, शायद शो कर रहा है तो ठीक है, अगर शो नहीं करेगा तो उसको आपको क्या करना होगा आपको ये बता देते हैं। जैसे आप SSD का जो इंस्टॉलेशन किए थे डिस्क मैनेजमेंट में जाके, आपको उसी तरह से करके क्या बोलते हैं जो न्यू वॉल्यूम रहेगा वहाँ शो करेगा, ठीक है, उस पर आपको राइट क्लिक करके उसका बस सेटअप करना पड़ेगा नॉर्मली, ठीक है। तो वो सेटअप हो जाएगा आपका, तो उसके बाद फिर आपका वो शो करने लगेगा माई कंप्यूटर में। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको SSD में विंडोज़ इंस्टॉल करना अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ठीक है, नहीं आया होगा तो वीडियो पॉज करके भी आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं। ये जो मैंने सैम्पल वीडियोस यूज़ किया है, ये भी जो मैंने वीडियो यूज़ किया है, ये भी एक सैम्पल वीडियो ही है, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास वीडियो अवेलेबल नहीं था एग्जैक्ट, तो मुझे कहीं से मिल गया, तो मैं वीडियो फ़िलहाल वही यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों को बस बताने के लिए। तो जस्ट एज ए एक सैम्पल, एज ए गाइड है आपके लिए, ठीक है। और आप जैसे ऐसे करेंगे आपको खुद पर कुछ समझ में आता जाएगा इस वीडियो की हेल्प से, और इसमें और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद पर खुद ऑटोमेटिक सारा जितना भी ड्राइवर है जैसे नेट कनेक्ट कीजिएगा सब कुछ अपडेट ले लेगा, और थोड़ा टाइम लगेगा 2-3 घंटा अपडेट में भी होने में या फिर आने में। और विंडोज़ भी स्टार्टिंग में आप देखिएगा तो एक्टिवेटेड नहीं लिखा रहेगा, लेकिन फिर जैसे नेट ऑन रहेगा तो वो खुद ब खुद एक्टिव भी हो जाएगा उसका, वो सब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, वो सब आपका इजीली हो जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।